हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.2। देखो इसमें क्या कहता है, कहता है द पोजीशन टाइम यानी कि एक्स टी ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रंस ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर। देखो ये एक्स टी ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पी और क्यू पे क्या है, ये है आपके पास ओ का, समझो पहले ओ क्या है, यहाँ पर ये स्कूल है, ठीक है, और यहाँ पर पी क्या है, ये घर है किसका, ए का, होम है ये किसका, ए का, और ये है क्यू पे होम है किसका, बी का, ये चीज़ बोल रहा है आपको, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ गए ना, यहाँ पर चिल्ड्रन ए का पी पर है और चिल्ड्रन बी का क्यू पर है, ठीक है, और ओ पर क्या है, स्कूल है। चूज़ द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। तो यहाँ पर आपको चूज़ करनी है करेक्ट एंट्रीज कैसे, जैसे ए पार्ट में कहता है जैसे ये ओब्लिक है ना, इसको पढ़ो जरा पहले, जैसे ए को पढ़ो, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ये हो सकता है, या फिर बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन ए, मतलब स्कूल के क्लोज कौन है, ए क्लोज है बी के कंपैरिजन में, या फिर बी ज़्यादा क्लोज है स्कूल के एज कंपेयर टू ए, ठीक है, ये मतलब है यहाँ पर। अब देखो ग्राफ को समझो, बच्चे क्या सोचते हैं, कहते हैं एक्स टी ग्राफ, जबकि उन्होंने बनाए होते हैं डिस्टेंस टाइम वाले ग्राफ, ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तब भी उनके मन में ये आता है कि शायद यहाँ पर बच्चा ऐसे चल रहा है, ऐसे थोड़ी चल रहा है, बच्चा तो नॉर्मल चल रहा होगा, ठीक है ना, वो तो स्कूल को ओरिजिन पे ले लिया हमने, मान लो ये स्कूल है, ठीक है, अब यहाँ पर घर है, मान लो यहाँ होम है ये ए का, और इधर घर है किसका, होम है किसका, बी का, ठीक है, मतलब ये बी का, सॉरी, ठीक है ना, तो ये हमारा पी पॉइंट था और ये वाला हमारा क्यू पॉइंट है, ऐसे है। अब वो गया किसी भी तरीके से गया होगा, जैसे मान लो ये ऐसे गया और फिर ऐसे चला गया, ठीक है, और जो आपके पास ये तो ए बच्चा था अपने घर गया, ठीक है, बी वाला भी कैसे गया होगा, अगर ये रोड है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से गया होगा फिर वो अपने घर ऐसे चला गया होगा, कुछ भी रास्ता तो कैसा भी हो सकता है। ये तो प्लॉट किया है ग्राफ किसका, कि इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक बनाऊँ, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाए, तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पे, मतलब 2 सेकंड पे मान लो उसने ये 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ये मतलब है इस ग्राफ का, तो ये मतलब है कि यहाँ पर ये पाथ है उसका चलने का, ये थोड़ी है, पाथ तो कुछ भी हो सकता है, उसको लेके ग्राफ बनाया कि उसने यहाँ पर देखा कि 4 मीटर चला वो 2 सेकंड में, तो हमने प्लॉट कर लिया ऐसे, फिर ठीक है, फिर उसने देखा कि 8 मीटर चला किसमें, वो आपके पास मान लो 4 सेकंड में 8 मीटर चला, ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया ऐसे, तो ऐसे करते हुए हम बनाया हमने और ये स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर ड्रॉ कर दी, तो ये तो ग्राफ प्लॉट करना होगा इस तरीके से, तो समझ में आ रही है बात, ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो जरा, अब यहाँ पर हम समझते हैं बात को, कि मान लो ए का वो पाथ है, मतलब ए के लिए वो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ ऐसे कर रहा है और बी के लिए ग्राफ ड्रॉ ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं, पहले वो कह रहा है कि बताओ कौन क्लोजर है स्कूल के, बी या ए। अब आप खुद सोचो, डिस्टेंस तो ये है मेरे पास, तो आप खुद सोचो ओ पी वाला डिस्टेंस ज़्यादा है या ओ क्यू वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, ओ क्यू वाला डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब ये दूर है, और ओ पी वाला डिस्टेंस कम है, तो यानी कि ये स्कूल के पास है, यानी कि ए का घर ज़्यादा पास है एज कम्पेयर टू बी के घर, ठीक है, स्कूल के अगर हम बात करें, स्कूल के पास कौन सा घर है, तो यानी कि ये चीज़ हमें पता चल रही है यहाँ पर कि ए लिव क्लोजर टू द स्कूल देन बी, तो यहाँ पर हम ये एंट्री काट देंगे इसकी, ठीक है, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, क्लियर, इसका रीज़न भी हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पर आंसर में मैंने ये लिख दिया यहाँ कि एज ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, ठीक है, ओ पी क्या है हमारा, लेस देन है ओ क्यू से, तो ए लिव्स क्लोजर, ठीक है, ए लिव क्या कर रहा है, क्लोजर टू द स्कूल, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, देखो बी पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, कहता है अगर हम ये पढ़ें पहला, ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, यानी कि स्कूल से सबसे पहले कौन चला, ए चला स्कूल में सबसे पहले स्कूल से घर के लिए, ठीक है, या बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन ए, कोई एक एंट्री चूज, अगर मैं ये पहले वाली पढ़ रहा हूँ तो यहाँ भी पहले वाली लूंगा, अगर ये बाद वाली पढ़ रहा हूँ तो ये बाद वाली लूंगा, ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी कहानी ये है कि कौन पहले चला स्कूल से। अब देखो वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, देखो ये टाइम का एक्सिस है ये वाला, ये है यहाँ पर यानी कि 0, मतलब कि स्कूल से ए जो है वो इमिजिएटली चल पड़ा था, और जो बी है स्टूडेंट वो स्कूल से कब चला, अब कहीं बच्चे चलते हैं ये तो यहाँ से चला, स्कूल से थोड़ी चला, जैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस तो ये कवर कर रहा है, यहाँ पर तो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ठीक है ना, चला तो वो स्कूल से ही है, लेकिन किस टाइम पे चला, अगर ये पॉइंट हम देखें तो टाइम आ रहा है, मान लो कुछ टाइम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये तो चला तो स्कूल से ही है ना वो, या नहीं, फिर यहाँ मान लो इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, कितने टाइम में, इतने टाइम में कवर किया होगा, तो इस तरीके से ये तो ग्राफ प्लॉट हो रहा है ना, समझ रहे हो बात को,
चला तो वो स्कूल से है, मैं ये कह रहा हूँ कि कई बच्चे सोचते हैं यहाँ से चला, ये तो स्कूल से थोड़ी चला, ये मैं इसलिए बोल रहा था कि पाथ नहीं है, ये तो ड्रॉ किया है हमने, तो यहाँ से तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि टाइम यहाँ पर तो चल रहा है इमीडिएटली, और बी जो स्टूडेंट है वो थोड़ा टाइम लेके चला है स्कूल से, समझ रहे हो, चला वो स्कूल से ही है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ से हमने पता किया कि इतना डिस्टेंस चला ये इतने टाइम में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो अभी स्कूल पे ही है इस टाइम पे, तो यानी कि अब चला है वो, ठीक है, इतने टाइम बाद चला है, तो यानी कि बी बाद में चला है, तो कौन पहले चला, ए पहले चला, तो यही चीज़ आएगी, ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, तो ये काट दो, देन बी, क्लियर है, तो ए स्टार्ट अर्लियर, तो ये चीज़ लिखी हुई है हमने यहाँ पर, एस टी इज इक्वल टू जीरो एट ए फॉर ए, ठीक है, एंड टी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर बी, मतलब सम वैल्यू फॉर बी, और टी की कुछ वैल्यू है यहाँ पर बी के लिए, तो यानी कि ऑब्वियस बी कुछ टाइम के बाद चला, सो ए स्टार्ट्स अर्लियर, क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट देखो जरा क्या कहता है, कहता है ए वॉक फास्टर देन बी या फिर बी वॉक फास्टर देन ए, कौन फास्टर है, सिंपल सी ये बात है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देते हैं आपको, किस स्लोप होता है ये, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी या स्पीड, तो स्पीड हम यहाँ से देख सकते हैं, तो हम कैसे देखेंगे, देखो ये टाइम है ये डिस्टेंस है, मान लो ये दो ग्राफ इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक, ये मान लो कोई भी है, मान लो इस तरीके से, ठीक है, तो हम इसमें कैसे देखते हैं, एंगल देख लेते हैं, ये एंगल है छोटा और ये एंगल है बड़ा, तो जिसका एंगल बड़ा होता है उसका यानी कि स्लोप बड़ा है और यानी कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मान लो ए है ये बी है, तो हम लिखेंगे ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा है, इस तरीके से हम सोच लेंगे, क्लियर, क्योंकि इसका एंगल ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और आप कैसे सोच सकते हो इसमें, ये देखो इस तरीके से सोच सकते हो, देखो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया बी ने इतने टाइम में, और ए ने देखो कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया और कम टाइम में, इतने कम टाइम में लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, तो कम टाइम में जो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, क्लियर है ना बात, तो वो चीज़ है, ठीक है, नहीं तो स्लोप से आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, तो हम यहाँ पर समझते हैं, देखो अगर हम देखें तो ये बी का एंगल और ये ए का एंगल, ए का एंगल जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू बी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्लोप जो है बी का ग्रेटर है स्लोप ए से, तो इसका मतलब यहाँ पर स्पीड बी की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए, तो कौन फास्टर चल रहा है, बी वॉक फास्टर देन ए, ठीक है, तो ये वाले कट जाएंगे इसमें और ये वाले कट जाएंगे, तो बी वॉक फास्टर देन ए, तो कहानी स्लोप वाली हम इसमें लिख देंगे, नहीं तो वैसे भी आप इसको समझो, देखो जरा यहाँ से अगर हम समझे इसको, देखो ये टाइम ले रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये रहा इसका, देखो डिस्टेंस इतना है और टाइम इतना है, क्लियर, अब दूसरे का कंपेयर करो बी का, देखो इसका, देखो डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है और टाइम देख लो कितना था, इंटरवल है छोटा इंटरवल, तो ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, नहीं तो स्लोप से तो आपको डायरेक्टली ये समझ में आ ही रहा है, तो हमने यहाँ लिख भी दिया कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ फॉर बी इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, वो हम एंगल से देखते हैं, एंगल इसका बड़ा है इसका छोटा है, ये देख लो ना, ये इधर कर्व्ड ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है, ठीक है, तो यानी कि इसका एंगल ज़्यादा बन रहा है टी के साथ ही देखना है, ठीक है, तो हमने बोल दिया बी वॉक फास्टर, क्लियर है इतनी बात, आ गई होगी समझ में बात, ठीक है, अब डी पार्ट पे चलते हैं, देखो कहता है ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम, ए और बी जो घर पे पहुंचते हैं अपने, ए और बी अपने घर पे पहुंचते हैं, क्या सेम टाइम में पहुंचते हैं, तो देख लो ये अलग टाइम है और ये अलग टाइम है ना, अपने घर पे पहुंचने का ये जब यहाँ पहुंचा तो टाइम कितना था इतना, और ये जब पहुंचा तो ये टाइम था इतना, यानी कि कौन पहले पहुंच गया, पहले तो ये बात है सोचो, बी पहले पहुंच गया, चला भी बाद में था और पहुंच भी पहले गया, तभी इसकी स्पीड ज़्यादा भी है, तो यही हुआ है, ठीक है, तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम है, अब आप कहोगे बुक में तो आंसर है सेम टाइम का, अब देखो जरा बुक में क्या है आंसर आपका, गलत है, या तो आंसर गलत है या वहाँ ये डायग्राम गलत है, सेम टाइम के लिए कैसा ग्राफ बनता है यहाँ पर, इस तरीके का बनता है, ये मान लो ए है आपके पास, ठीक है, और ये सेम टाइम है ना इस तरीके से, तो यहाँ पर ये ऐसे बनता, समझ रहे हो, ये बी के लिए बनती लाइन और ये ए के लिए बनती, तो ये टाइम क्या होता फिर, सेम होता इसका और इसका, देख लो ये टाइम सेम होता, लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं है, ये अलग है ये अलग है, यहाँ यहाँ पर बन रही है और ये यहाँ पर बन रही है, तो टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, तो ये डिफरेंट टाइम पे पहुँचेंगे घर, ठीक है, तो यानी कि या तो आंसर गलत है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो जो ये बुक में बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिर पीछे आंसर गलत है, उसने बोला हुआ है सेम टाइम पे, है नहीं लेकिन डिफरेंट टाइम है, और अगर उसका आंसर सही माने तो फिर आपका डायग्राम गलत है, ठीक है, तो मैंने तो इस डायग्राम के हिसाब से आपको आंसर बता दिया, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है डिफरेंट टाइम होगा आंसर, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशंस ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट ऑन द टाइम एक्सिस, ठीक है, ए की पोजीशन देख लो ये आ रही है और टाइम एक्सिस पे, और बी की पोजीशन ये आ रही है, तो डिफरेंट टाइम पे पहुंच रहे हैं वो अपने घर पर, ठीक है ना, पी और क्यू उनके घर हैं, क्लियर है, डिस्टेंस जो दिया हुआ है,
उसके बाद देखो बात करते हैं हम यहाँ पर ई पार्ट की। ई पार्ट में देखो क्या कहता है, कहता है ए ओवरटेक्स बी ऑन द रोड या फिर बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड। पहली तो बात यह है जिसकी स्पीड ज़्यादा है वही ओवरटेक करेगा, तो यहाँ पर स्पीड हमें पता थी किसकी है ज़्यादा, सी में हमने देख लिया था बी वॉक फास्टर है, यानी कि बी की स्पीड ज़्यादा है तो बी ओवरटेक करेगा, पहली तो ये बात होगी। अब वो एक बार करेगा या दो बार करेगा, अब देखो जो एक्स टी ग्राफ होते हैं ना इनमें ये जितनी बार इंटरसेक्ट होती है उतनी बार ओवरटेक हो रहा है। अब ये देख लो ये एक बार इंटरसेक्ट हो रही है ये, तो यानी कि एक बार ओवरटेक हुआ है ये मतलब है। और पहले कौन ओवरटेक कर रहा है, बी करेगा ओवरटेक बिकॉज इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये तो पता ही है ना आपको। नॉर्मल भी कौन ओवरटेक करता है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है, कम स्पीड वाला ओवरटेक थोड़ी कर लेगा। ओवरटेक करने के लिए कैसे ओवरटेक समझते हो ना, ये जा रहा है बंदा इधर, मान लो ये गाड़ी जा रही है इधर, ठीक है, और ये पीछे गाड़ी है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इधर आएगी गाड़ी ये वाली, ठीक है, इधर से इस तरीके से जाएगी और इधर आ जाएगी, मतलब इस तरीके से ये ओवरटेकिंग का कहानी होती है। मान लो ये दो गाड़ियां हैं, ठीक है, ये ऐसे चल रही हैं, ये इसके पीछे चल रही है, अब इसने स्पीड बढ़ाई और ऐसे ओवरटेक कर लिया, इसके आगे निकल गया, समझ रहे हो इतनी बात, ये चीज़ होती है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ लिखी हुई है कि बी ओवरटेक्स ए वंस, ठीक है, और बी ओवरटेक क्यों करता है, ड्यू टू द, यहाँ आप लिख सकते हुए स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए, तो इसलिए बी ओवरटेक करेगा। और वंस क्यों है कहानी, बिकॉज एक्स टी ग्राफ इंटरसेक्ट ओनली वंस, यहाँ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर, इसलिए एक बार ओवरटेक हुआ है। बताओ जी समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। मेन है कहानी आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए, और ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, बच्चे सोचते हैं ये पाथ है, शायद ये पाथ नहीं है, ये तो ग्राफ बनाया है, वैल्यूज आई हैं पाथ पे चलते हुए कुछ, तो हमने एक्स टी ग्राफ मतलब एक्सिस लिया एक्स और टी का, वहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करी डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग, तो उनका ये प्लॉट करके आया है, ग्राफ आया है ये, ना कि पाथ बना हुआ है ये, क्लियर है इतनी बात, कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।